हेलो दोस्तों, देखिए जो आज चैत्र संक्रांति है, चैत्र संक्रांति के हर साल पूजा किया जाता है तुलसा मंच में। तो इसमें क्या क्या पूजा में लगता है आप सभी को दिखाने कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मेरा पिता है और उधर जो बैठा है वो मेरा भंजा है। वो देखिए हरकत कर रहा है। देखिए दोस्तों, अभी मंत्र पाठ कर रहे हैं मेरे पिता ने। दोस्तों ये देखिए, सिंदूर का ये टिक लगाया जा रहा है। ये हम लोग का तुलसा मंच है, इसमें दोस्तों देखिए घट बनाया गया है। इसमें जो पूजा किया जाता है, इसमें रखा हुआ है। ये देखिए, मोहुल बोलता है। उसके बाद फल विशेष जो है आम है, उसके बाद उसमें चना है, अतव चावल है, उसमें प्रदीप जल रहे हैं। देखिए इतना सारा पूजा में जुगाड़ करना पड़ता है। यहाँ लोग का हर साल के चैत्र संक्रांति में इस प्रकार से पूजा की जाती है। ये देखिए छोटा बच्चा जो मेरा भांजा है, हरकत करने लग चुका है। चैत्र संक्रांति में दोस्तों आम आम जो होता है फल विशेष, उसको पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद ही आम को खाया जाता है। उसके बाद जो मोहुल है, जो कचड़ा जो फल होता है, तो उसी को भी पूजा में लगाया जाता है। तो ये जितना सारा सब है, पूजा होने के बाद ही ये सब यूज किया जाता है। देखिए तुलसी के पत्ता, पूजा में यूज किया जा रहा है। ये देखिए प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। जो मंच बनाया हुआ है उसमें प्रसाद दिया जा रहा है। जो प्रसाद बनाया गया है वो प्रसाद के रूप में उस फल को
पूजा के रूप में प्रसाद किया जा चुका है। ये देखिए देखिए दोस्तों, अंतिम में जो तुलसा मंच में हम लोग का पूजा हो चुका है, अभी प्रणाम किया जा रहा है अंतिम में। चैत संक्रांति के अंतिम में प्रसाद के रूप में भेंट चढ़ा गया तुलसा मंच में। ये देखिए आम, ये आम रहा, ये हम लोग का इलाके में इसको मोहल बोलता है, इसी को प्रसाद के रूप में यूज किया जा चुका है। और ये देखिए इधर, ये है चना, ये चना, और ये रहा अतव चावल, ये सब प्रसाद के रूप में यूज किया गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो प्रसाद है, ये देखिए ये जो प्रसाद है, प्रसाद, ये प्रसाद खाने के लिए, अभी खाने के लिए है तो इसको खाया जाता है। थोड़ा हाथ धोना चाहिए, उसके बाद प्रणाम करना है। दोस्तों ये देखिए अंतिम में सभी परिवार के सदस्य मिलके तुलसा मंच में प्रणाम की जाती है। ये मेरा भांजा है, भांजा भी प्रणाम कर रहा है या नहीं पता नहीं, चलिए इसको प्रणाम। ये देखिए प्रणाम किया।